दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। 15 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी से पिछड़ गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। पार्टी ने बहुमत के जादुई आंकड़े 126 को पार कर लिया है। वहीं बीजेपी ने 97 सीटों पर जीत हासिल की है। एमसीडी इलेक्शन में भी दिल्ली वासियों का भरोसा जीतने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर जश्न का माहौल है। एमसीडी में बीजेपी का 15 साल तक वर्चस्व रहा, लेकिन इस बार के नतीजों से स्पष्ट है कि चुनाव में सत्ता विरोधी लहर एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। इस चुनाव में आप जोर शोर से लगी थी, तो वहीं बीजेपी ने भी अपना पूरा तंत्र लगा दिया था। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से 5 फैक्टर रहे जिस पर आम आदमी पार्टी के आगे उसको निराशा हाथ लगी। इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी चरम पर दिख यही वजह रही कि मुश्किल से 50% मतदान हो सका। बीजेपी के मतदाता उदासीन थे और घर से बाहर निकलकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने से परहेज किया। आम आदमी पार्टी ऐसा समझाने में कामयाब रही कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है और आपको काम करने नहीं देती है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI और ED की कार्रवाई, वहीं सत्यन जैन का जेल में किया गया स्टिंग ऑपरेशन भी लोगों को रास्त नहीं आया। लोग आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए वादों पर भरोसा करते दिखे और बीजेपी पर लगे आरोपों की वो बदले की राजनीति करती इसका करारा जवाब दिया। MCD कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलना और दिल्ली में उनके द्वारा की जाने वाली हड़ताल बीजेपी के खिलाफ गई। गली गली में कूड़े, खराब सड़कें, MCD स्कूल की बदहाली बीजेपी के खिलाफ गई। दिल्ली को आम आदमी पार्टी की डबल इंजन की सरकार की दरकार है और आम आदमी पार्टी दिल्ली को बेहतर कर सकती है, इस पर लोगों का भरोसा दिखा। जाहिर तौर पर व्यवसायियों के खिलाफ किए गए वादे और अरविंद केजरीवाल की छवि लोगों को पसंद आई, इसलिए आम आदमी पार्टी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व भी केजरीवाल के पक्ष में गया। ब्रांड केजरीवाल दिल्ली के तमाम लोकल नेताओं पर भारी पड़ा, इसलिए आम आदमी पार्टी 15 साल के बाद MCD चुनाव में बीजेपी का किला ध्वस्त करने में कामयाब रही। हालांकि भले ही बीजेपी को MCD चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पार्टी के गढ़ वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां बीजेपी ने उसे पटखनी दे दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्यन जैन के इलाके में बीजेपी ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया। सत्यन जैन के विधानसभा क्षेत्र सकूर बस्ती के अंतर्गत आने वाले 3 वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं वार्ड संख्या 58, 59 और 60 में आपको हार मिली है। सत्यन जैन इन दिनों जेल में है। दिल्ली MCD चुनाव के दौरान जेल के अंदर से उनकी कुछ वीडियो वायरल हुई थी, जिस पर बीजेपी ने खूब सवाल उठाए थे। कभी जेल के अंदर मसाज लेते हुए तो कभी पसंदीदा भोजन करते हुए, इन वीडियो के जरिए बीजेपी ने आपको निशाने पर लिया और कहीं न कहीं इसका बड़ा असर MCD इलेक्शन पर भी पड़ा। सत्यन जैन के विधानसभा क्षेत्र सकूर बस्ती के अंतर्गत 3 वार्ड आते हैं, सरस्वती विहार, पश्चिम विहार और रानीबाग। तीनों सीटों पर बीजेपी ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया। सरस्वती विहार सीट पर बीजेपी कैंडिडेट शिखा भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी कुर्मिला गुप्ता को 3,105 वोटों के अंतर से हरा दिया। बीजेपी के शिखा को यहां पर 13,167 वोट मिले, जबकि आपकी उर्मिला को 10,017 वोट मिले। पश्चिम विहार सीट पर बीजेपी को 12,199 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 10,155 वोट गए। इस तरह बीजेपी के विनीत बोहरा ने आम आदमी पार्टी की शालू दुग्गल कासे 20,044 वोटों से हरा दिया। यही हाल रानीबाग में भी रहा। यहां बीजेपी की ज्योति अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी के मिथिलेश पाठक को 1,387 वोटों से हरा दिया। बीजेपी के पक्ष में 10,346 वोट पड़े, जबकि आपको 8,959 वोट मिले। कुल मिलाकर यहां पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता तो दिख रहा है, यानी 15 साल से जो MCD में बीजेपी का जलवा था वो खत्म हो गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।